ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम जींद में हैं, प्रॉपर शहर में, और बहुत बढ़िया पशु मुर्रा नस्ल के भाई साहब के पास हमने पहले भी देखे थे, आज दोबारा फिर इधर आना हुआ तो बहुत ही शानदार क्वालिटी की मुर्रा नस्ल की जोटियां, चार पांच जोटियां बहुत ही अच्छी भाई साहब के पास हैं। डिटेल से जानकारी भाई से लेते हैं, बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। बहुत ही बढ़िया हाइट लेंथ की एक भैंस तो काफ़ी अच्छी, और एक जोटी जो ब्यूटी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करने वाली है। तो भाई साहब से मैं मिलवाता हूँ, सुमेर मलिक नाम है भाई का। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, यूट्यूब देखने वाले सारे भाई है ना, राम राम। सुमेर भाई साहब, पहले तो लोकेशन जानना चाहेंगे अपने फार्म की। भाई जी ये है अपना जींद में। जींद में? जींद में, हाँ। ये सेक्रेट के बिल्कुल बैक साइड में, कोर्ट के पीछे बोलते हैं, कोर्ट के पीछे सेक्रेट कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? एम्प्लॉयज कॉलोनी। एम्प्लॉयज कॉलोनी और कोर्ट के बिल्कुल पीछे डेयरी फार्म है भाई का। तो भाई साहब कितने पशु दिखाएंगे आज हमें वीडियो में आप? भाई जी ये पांच छह पशु रखते हैं। हाँ हाँ, छह सात है। हाँ हाँ हाँ, कभी पांच हो गए कभी छह हो गए। अच्छा अच्छा, बिक गया तो और आ गया, नहीं तो भी अपना दूध का परमानेंट धंधा दूध का है। अच्छा, दूध बेच रहे हैं, क्या रेट में बेच रहे हैं भाई साहब दूध? अभी हमारे भैया 60 हो रहा है, 60 रुपए लीटर जा रहा है। हाँ, एक अप्रैल से 60 रुपए। ठीक ठीक, तो इसमें कहाँ से शुरू करेंगे ये बाखड़े? अच्छा, ये घर के घर पे रखी हैं बाखड़ी? दोनों बाखड़ी हैं, दोनों बाखड़ी हैं। तो इस जोटी से शुरू करेंगे? ठीक है, तो ये एक नंबर पे जो जोटी बंधी हुई है कौन से ब्यात में है, कितना दूध दे रही है? ये पिछली वीडियो में भी देखी थी, अपनी जो पीछे वीडियो आई थी तब ये फर्स्ट टाइम थी। हाँ हाँ, सेकंड टाइम है। अच्छा, पांचवा महीना में गाभन लगी है। हाँ हाँ, और अभी इसमें 16 लीटर दूध, किलो दूध बिल्कुल तैयार है। पांच महीने की प्रेग्नेंट दूसरे ब्यात में, तो ताजी ब्याई कितना दूध दिया भाई? दिया था भाई जी 24-24.5 किलो। 24-24.5 खोलना भाई, 24-24.5 किलो दूध दिया है। और अभी जो है, अभी जो है पांच महीने की प्रेग्नेंट है, मैं कहूंगा ब्यूटी कंपटीशन लड़ने वाली जोटी, बहुत ही सुंदर, ज़्यादा चर्बी नहीं है, बालों की कटिंग हो रही है, चमक बहुत अच्छी है जोटी के शरीर पे। और ये देखिए अर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन, ले आओ भाई सब। और जोटी जैसा कि मैं बता रहा था वीडियो जब हमने स्टार्ट की कि ब्यूटी कंपटीशन लड़ने वाले भी पशु, आज भी ऐसे लग रही है पाँच महीने की प्रेग्नेंट जोटी जैसे कि अभी ताज़ी ब्याई हुई है। 16 किलो दूध, पाँच महीने का प्रेग्नेंट कोई भी पशु अगर दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। और 24-24.5 किलो दूध जोटी ने अगर था, 7.5 महीने की ब्याई हुई, अगर 24-24.5 किलो दूध जोटी ताजी ब्याई निकाल रही है तो ज़रूरी है कि लगभग 10 किलो दूध से ड्राई होगी जोटी इस ब्यात में, 10-12 किलो से। इससे आगे फिर एक और जोटी जो कि 2 महीने ब्याई होगी। अच्छा, और ये 5-6 दिन की नए दूध होगी। हाँ, जैसे कब डोका बोल देते हैं अपने देसी। हाँ 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 हाँ, तो किया इसने, इसमें था 19 किलो दूध फर्स्ट टाइम की, अभी 17 किलो दूध बिल्कुल कांड है, तो तैयार है जब जैसे पूरे पीक पे थी, लगभग महीने की ब्याई हुई थी तो 17 किलो दूध था। नहीं, 17 किलो अभी कांडे के तो लगा। अच्छा, 17 अभी। अच्छा, दांतों में कैसे है भाई साहब? खोल के लाना इसको भी। खोलिए इसको। 17 किलो चार दांत जोटी है पहले ब्यात की, अभी 17 किलो दूध जोटी प्रेग्नेंट थोड़े दिन पहले ही हुई है, और 2 महीने से लगभग 7-8 दिन कम है ब्याई हुई, और प्रेग्नेंट भी जोटी हो चुकी है। चार दांत जोटी बहुत ही खूबसूरत, ये भी जो भाई ब्रीडिंग करना चाहते हैं या अगले साल की सोच के किसी भी पशु को रखना चाहते हैं तो आप खुद देख सकते हैं, ये जोटी भी भाई साहब के पास बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है, ले आओ भाई वापस। और सिंगल हड्डी की है, लंबाई बहुत ही अच्छी, ये देखिए जोटी थोड़ा सा कैमरे को देख के डर रही है। ये आगे से छिली हुई कैसे है भाई साहब? ये दीवार के खसले अंदर कच्चे में बांधा है ना पा। अच्छा अच्छा, दीवार के खसले। ठीक ठीक, इससे आगे जो दो पशु हैं वो काफी हाइट लेंथ के हैं,
आगे आ जाओ भाई साहब। जैसा कि पूना की जो बिक्री होती है, पूना में इन पशुओं की काफी डिमांड होती है। ये भाई साहब तीन नंबर वाली कितने दूध की है? ये भाई जी 13 दिन की तो ब्याही होली। हाँ हाँ 14 दिन की। हाँ हाँ और इसमें 19 किलो दूध बिल्कुल काटते जाते होगा। और सेकंड टाइम की होती है, दूसरे ब्यांत की है, 13-14 दिन की ब्याही में 19 किलो दूध है, पैरों के बीच के अडर की है। और आप देख सकते हैं जोटी को, इधर ले लो कि मैं जो टाइम है वो लगभग अभी देखने वाले भाइयों को बताना चाहूँगा, 2 बजे का है लगभग टाइम। और अभी कितने बजे चुवाई होती है जी? सुबह सुबह अभी 5 और शाम को 5 बजे। 5 बजे सुबह, 5 बजे शाम को दूध लेने वाले, जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी भाई साहब के पास, वो उस टाइम दूध लेने वालों का यहाँ पे एक किस्म से मैं कहूँगा तांता लगा हुआ था। तो 5 बजे सुबह चुवाई होती है, 5 बजे शाम को। तीन अभी 2 बजे हैं और लगभग 3 घंटे बाकी हैं। जो इसके अंदर जो है ये जो नशे है ना, हाँ हाँ हाँ, अपने पुरानी भैंसों की होती थी है ना, वो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये देखिए नशे जो ऑर्डर पे हैं काफी ज्यादा हैं। इतने ही ज्यादा नशों वाला कोई भी पशु है वो दूध कम नहीं देता है। और इससे आगे फिर एक और बहुत हाइट लेंट बहुत ज्यादा, ये भाई जी आज 4 दिन की ब्याही हुई है। हाँ हाँ और इसमें 16 किलो दूध बिल्कुल तैयार है। अच्छा, 4 दिन की ब्याही में 16 किलो दूध है। और तीसरे ब्यांत की है, तीसरे ब्यांत की, इधर ले आना भाई। बहुत ज्यादा भारी जोटी है, लंबाई ऊंचाई बहुत ही बढ़िया। 4 दिन की ब्याही में 16 किलो दूध है, बहुत ही बेहतरीन। रोक लो भाई, गोबर कर रही। कच्ची मिट्टी की बागड़ बालू रेत की आई हुई है। हाँ हाँ, चलने ऐसे इसी कारण से थोड़ा सा जो चाल है जोटी की वो थोड़ी सी लचक के चल रही है। ये जो चाल है इस तरह की, वो जो बालू मिट्टी से जो पशु आते हैं उनकी चाल इसी टाइप से पक्के में होती है, लेकिन पैरों की कच्ची दिखाई नहीं दे रही है। खुर जो हैं वो अच्छे हैं जोटी के, हाइट लेंथ बहुत ही बढ़िया दोनों के दोनों पशु, जो लास्ट में 3 नंबर और 4 नंबर पर हमने देखे हैं, बहुत ही बढ़िया हाइट लेंथ के। इसके नीचे जो अपना धारवाड़ में कटड़ा है ना, धारवाड़ वाले कटड़े की, अच्छा वो कटड़ी है। अच्छा कटड़ी है, ठीक है ठीक है। ये देखिए 4 दिन की कटड़ी, देखिए बहुत ज्यादा हाइट लेंथ की है, बहुत ज्यादा हाइट लेंथ की, बहुत ही बढ़िया। और अभी जो इसका जो जिसको हम सुंडी बोलते हैं, जो नाड़ा नाड़वा बोलते हैं, वो अभी लटक रहा है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइट लेंथ की कटड़ी बनेगी। ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी भैंस, साथ में कटड़ी लिए हुए, और वो भी एक बेहतरीन बुल की। इससे आगे ये गाय भाई साहब देसी, ये तो भैया देखो गाय का अपना धंधा नहीं है। अच्छा घर रख, घर के लिए रखता हूँ। अच्छा घर रखते हैं गाय, तो बिल्कुल अभी बैगी, पिछली वीडियो में भी दिखाई थी शायद, नहीं ये वो दूसरी गाय थी मेरे पास में। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत शरीफ थी, प्योर आर्मी है वो, मिक्स थी थोड़ा। अच्छा बहुत शरीफ, जीन कंपटीशन में सेकंड आई थी। अच्छा जीन डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन, ठीक है ठीक है। वो जोटी नहीं लेके गए जो 1 नंबर पे दिखाई डिस्ट्रिक्ट भाई जी, ना तो हम देखो इसमें मिल्क कंपटीशन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हाँ हाँ, और ना मतलब और ले जाने का तो वो सबसे टॉप आती। हाँ हाँ हाँ, ऐसे पशु मिले बहुत ही कम है। नहीं लेके नहीं गए कंपटीशन, लेके नहीं गए, गाय लेके गए थे। गाय भी एक वो डॉक्टर है, बोला यार मेरी बेइज्जती होगी, बोला बोला चलो भाई अपना, ठीक है ठीक है। ये आगे फिर साहिवाल मिक्स, साहिवाल जर्सी, तो इनका दूध भी बिक जाता है अपने यहाँ। हाँ इसका दूध अभी 50 रुपए किलो जाता है, 50, ठीक ठीक ठीक। यही एक बेनिफिट है जो नए पशुपालक भाई जो नया डेयरी शुरू करना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान करें, भाई साहब का जो दूध है वो 50 रुपए लीटर इस गाय का बिक रहा है और 60 रुपए लीटर भैंसों का बिक रहा है। तो भाई साहब इन भैंसों के रेट क्या होंगे लगभग? भाई जी रेट तो देखो सुरेंद्र ऐसे है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे पशु मिले बहुत कम है, बिल्कुल हाइट लेंथ और दूध के पशु मिलते कम है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। अभी तो आज के दिन देखो ये कल कितना दूध बनाती है उसके अकॉर्डिंग तो रेट बढ़ता है या घटता है, वो तो अलग बात। थोड़ा बहुत हम रफली आइडिया चाहते हैं कि इसके 2.5 लाख रुपए है जी। अच्छा, जैसे 1 नंबर से शुरू होकर लास्ट तक आएंगे लगभग रेट बता दीजिए इतने और इतने के बीच में है, क्योंकि फिर कम कोई 70,000 की लेने वाला फोन नहीं करेगा ना, फिर वो बता दीजिए आप। ये इसके 2.25 लाख रुपए है, इसके 2.25 लाख। और 2 नंबर वाली के,
इसके 1.5 लाख रुपए हैं, इसके 1.5 लाख और एक नंबर वाली के। भाई जी इसको कोई मतलब अच्छा वो ना ब्रीडिंग भी मैं ब्रीडिंग करना जोटी पे। हाँ हाँ अब की बार इसको दे देंगे हम। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ इसका प्राइस 2 लाख रुपए है, 5 महीने में गारंटीड क्या लगी हुई है। अच्छा अच्छा 16 किलो तो 2 टाइम तोड़ के देख सकता है कोई। ठीक है भाई। और इसकी कटिया मेरा एक मित्र ले गया 25,000 रुपए की। अच्छा अच्छा बगैर कटिया के दूध दे रही थी। अच्छा अच्छा आज से लगती है। हाँ आज से लगती है। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए चारों के चारों पशु भाई साहब, रेट बताने में थोड़ा सा शुरू में हिचक रहे थे जब हमने वीडियो शुरू की उससे पहले, लेकिन फिर बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आने लग जाते हैं कि रेट के बिना वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सभी पशुओं के भाई ने रेट भी बता दिए हैं और बहुत बढ़िया हाइट लेंथ के सारे पशु। जो भी पशुपालक भाई लेने के इच्छुक हैं आप संपर्क कर सकते हैं। ये वाली भी और ये वाली भी। हाँ हाँ अपने जो ये रमेश भाई वाला है ना लाडला उससे प्रेग्नेंट करवा। अच्छा अच्छा बड़ा अच्छे बुल से प्रेग्नेंट है, लाडो का बेटा है लाडला सुखबीर भाई के पास, रमेश भाई के पास, उनसे प्रेग्नेंट है। ठीक है बहुत बढ़िया भाई साहब। थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान मैं कहूँगा ब्रीडिंग की तरफ भी है भाई का। जिस मेरा वीडियो देखने मतलब जो भी खरीदार भाई है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो अच्छे पशुओं का शौक रखते हैं कृपया करके वो ही फोन करें, अन्यथा क्या होता है भाई साहब आपको पता है मतलब ज्यादा फोन करके परेशान कर देते हैं, उसमें अच्छे आदमियों का भी फोन नहीं उठाते कई बार हम। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन ये समस्या का मेरे ख्याल से समाधान होना मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि हम खुद भुगत भोगी हैं इस चीज़ के। अब जैसे कि ये वीडियो हम आपसे फीड के बारे में पूछेंगे, लेकिन फिर भी जब दोबारा किसी भाई का फ़ोन आएगा आपसे पूछेंगे कि भाई हमें फीड बताओ क्या देनी चाहिए पशुओं में, तो आपसे पूछ ही लेते हैं आप पशुओं को फीड में क्या देते हैं। भैया मैं बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल फीड देता हूँ, जैसे ताजा पशु है इनको तो कुछ मेथी दाना दे देता हूँ आधा आधा किलो। हाँ हाँ एक्स्ट्रा। और सभी का एक चलता है अपना चने का खंडा। हाँ हाँ चने की चूरी। हाँ हाँ और चने का छिलका और बिनोले की खल। अच्छा ये चारों आइटम मिला के देता, चारों आइटम मिला के देता हूँ, जैसे 10-15 दिन में बिनोले रांध के चला देता हूँ बीच बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है, जो मतलब पशु थोड़ा ठीक रही जा। ठीक है ठीक है। बॉडी बिनोले को उबाल के भी देते हैं भाई, तो ये चारों पशु भाई साहब के पास बिक्री। एक्स्ट्रा सोयाबीन वगैरह कुछ नहीं डालता। ठीक है ठीक है। सोयाबीन से अपने पशु दूध से भी नहीं बढ़ते, क्योंकि हम डाल के देख चुके हैं, वो हर पशु की आदत की बात है। तो ये देखिए जो आज पशु हमने भाई साहब के पास दिखाए, आपसे मैं कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा आपको कैसे लगे सारे के सारे, और जो भाई ने रेट बताया वो सभी पशुओं का वो भी जानना चाहूँगा आपको कैसा लगा। और अच्छे पशुपालक भाई जो पशु की मैं कहूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी की जोटियाँ जो एक नंबर पर बंधी हुई है, बहुत ही बेहतरीन 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सारे के सारे पशु अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो नीचे स्क्रीन में भाई साहब का नंबर भी चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं इनसे किसी भी पशु के बारे में जानकारी के लिए या लेने के लिए। सभी भाई जितने भी देश विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।